आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ हैड। हैड है हेल्पिंग वर्ब पास्ट की और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। प्रेजेंट में दो हेल्पिंग वर्ब थी, हैज जो कि सिंगुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब सिंगुलर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव आई के साथ साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स में यूज होता है पूरी तरह से, मतलब आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ में। लेकिन हैड ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट के लिए यूज होती है, जबकि सिमिलर कंडीशंस हैज में यूज होती है। इसका मतलब हैज अ प्रेजेंट में ये बताने के लिए जब सब्जेक्ट के पास कुछ है, और हैड यूज होता है जब सब्जेक्ट के पास कुछ था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मेरा एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड, मेरी कल क्लास थी, आई हैड अ क्लास यस्टरडे। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप कहें सब्जेक्ट के पास कुछ था लेकिन अब नहीं है उसके पास में, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैड शॉर्ट हेयर, ही हैड अ बिग हाउस, माय फादर हैड अ स्मार्टफोन, माय सिस्टर हैड अ बिग कार, नेहा हैड लॉन्ग हेयर, रमेश हैड अ कार, राहुल हैड अ गुड जॉब, आई हैड स्केटबोर्ड, वी हैड अ बंगलो, ऋषि हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।